सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बढ़े हैं। तो गाइस आगे बढ़े हैं। तो गाइस क्या अभी अपना फ्री फायर मैक्स दूसरा ओपन करते हो तो गाइस यहाँ पर कुछ तरह लोडिंग होता है। लोडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको जैसे नेटवर्क कनेक्शन इरर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पर मैं साइनिंग विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन इरर कुछ इस टाइप का मैसेज शो होता है। उसके साथ भी कुछ तरह प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर फ्री फायर में लोडिंग हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन एरर, डाउनलोड फाइल, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस आप कैसे फिक्स आउट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को आज के वीडियो बताऊंगा। तो गाइस काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते हो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, गेम से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को आपको कुछ तरह क्लोज करना है। सारा एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल सा सेटिंग है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी अपना फ्लाइट मोड है उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। और गाइस ध्यान रहे यहाँ पर मोबाइल डाटा हॉटस्पॉट जो भी है तो गाइस वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना फोन का सेटिंग पर चला जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स, डिफॉल्ट ऐप, ऐप सेटिंग कुछ भी मिल सकता है। तो गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर कोई भी ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है। तो गाइस आप डायरेक्टली यहाँ पर कुछ तरह सर्च कर सकते हो ऐप्स कुछ इस तरह। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सबसे ऊपर मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख कुछ तरह ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपके फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना, थोड़ा नीचे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स को पता करना है। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को मिल चुका है, आपको नहीं मिलता है तो गाइस आप ऊपर सर्च करके भी पता कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करना है फ्री फायर मैक्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज में जाना है, इंटरनल स्टोरेज कुछ भी मिल सकता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ तरह आपका ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो भी स्टोरेज है क्लियर कैचेस क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर कैचेस करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। कुछ इतना करने के बाद यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद सेटिंग को क्लोज करना है, फिर से अपना सेटिंग को ओपन करना है। और यहाँ पर आपको कनेक्शन का सेटिंग मिल जाए तो गाइज अच्छा ही है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी कनेक्शन का सेटिंग नहीं मिलता है तो गाइज यहाँ पर आप मोबाइल नेटवर्क सर्च कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख मोबाइल नेटवर्क का सेटिंग आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग में लगा, तो गाइस यहाँ पर क्या करना है, नेटवर्क मोड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस वहाँ पर आपको 5G चलता है, 4G चलता है, तो गाइस इसको सेलेक्ट करना है, या तो आपको वहाँ पर 3G 2G चलता है तो गाइस आप सेकंड वाला को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेस फंक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट साइड के सबसे ऊपर 3 डॉट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, रिसेट टू डिफॉल्ट रिसेट कर देना है, एपीएन सेटिंग रिसेट हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है और गाइस आपका ये ऑफ होगा, इसको जरूर ऑन कर देना। कुछ इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर जो भी आपका साइट का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर, और गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट बीच में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हो तो गाइस आपका फ्री फायर मैक्स ओपन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पर आप देख अपना जो भी इंटरनेट कनेक्शन उसको एक बार चेकआउट करना, जो भी आप हॉटस्पॉट ले रहे हो तो गाइस उसका इंटरनेट अच्छे से चल पा रहा है नहीं, आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो तो गाइस आपका मोबाइल डाटा अच्छे से चल पा रहा है नहीं, तो गाइस उसको चेकआउट करके यहाँ पर आप जैसे कि अपना गेम को ओपन करते हो तो गाइस गेम ओपन हो जाएगा। चलो आज के दिन कुछ दिन फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।